हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। कैसे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम टर्मक्स पे उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, टर्मक्स पे उबंटू को इंस्टॉल करने का बहुत ही फ़ायदा है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम टर्मक्स पे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको रूट परमिशन देना होता है। लेकिन अगर हम टर्मक्स पे पहले से ही उबंटू को इंस्टॉल कर लेंगे तो उबंटू में हमें पहले से रूट परमिशन मिला होता है, तो हम उन टूल्स को उबंटू में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि कैसे हम उबंटू की CLI वर्जन को टर्मक्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उबंटू के GUI वर्जन को इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। टर्मक्स ओपन करके कमांड डालिए apt get update। और इसके बाद कमांड डालिए apt get upgrade। और इसके बाद कमांड डालिए pkg install proot distro। proot distro इंस्टॉल होने के बाद कमांड डालिए proot distro लिस्ट। तो यहाँ पे आपको सभी लिस्ट शो करेगा। इसके बाद हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे proot distro install और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे ubuntu। इससे हमारे टर्मक्स पे ubuntu इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, उबंटू हमारे टर्मक्स पे इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको रन करने के लिए हमें कमांड डालना होगा proot distro login ubuntu। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखो हमारे टर्मक्स पे भी ubuntu रन हो चुका है। तो पहले हम ubuntu पे कमांड डालेंगे pkg update। और इसके बाद दूसरा कमांड डालेंगे pkg upgrade। और अभी हम स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। इसके लिए सिंपल कमांड डालेंगे क्लियर। और इसके बाद एक न्यू पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए कमांड डालेंगे pkg इंस्टॉल न्यू पैच।
और इसके बाद सिंपल सा कमांड डालो न्यू फेच, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो Ubuntu हमारे टर्मक्स पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और फिर से टर्मक्स पे आने के लिए कमांड डालो exit, तो गाइस देखो अभी हम फिर से टर्मक्स पे है। तो गाइस अभी हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ Ubuntu टाइप करके हम टर्मक्स पे Ubuntu को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जैसा कमांड डाल रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसे ही कमांड डालना। पहले हम डालेंगे cd और ये tilde, तो और इसके बाद कमांड डालिए cd --user और pin, इसके बाद कर दीजिए एंटर, इसके बाद करिए ls। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल दिख रहा हो, तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसके लिए कमांड डालेंगे vi और Ubuntu, और इस फाइल के अंदर हम लिखेंगे pyroot distro login Ubuntu, और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। और गाइस इसके बाद हम कमांड डालेंगे chmod प्लस एक्स और Ubuntu। तो अभी हम जब भी हमारे टर्मक्स पे Ubuntu टाइप करेंगे तो हमारे टर्मक्स पे Ubuntu स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियोस आगे पाने के लिए।